संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की कहानी अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसके पीछे की वजह उनकी मेहनत और लगन होती है। ऐसी ही कहानी आईपीएस अफसर सिमाला प्रसाद की है। सिमाला का जन्म 8 अक्टूबर 1980 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। वह मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। सिमाला नक्सली क्षेत्र में अपने बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आईपीएस ऑफिसर सिमाला प्रसाद ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कोएट स्कूल से शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट फॉर एक्सीलेंस से बीकॉम किया और फिर भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में पीजी किया। वे गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। आईपीएस बनने से पहले सिमाला पीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहली पोस्टिंग डीएसपी के तौर पर मिली थी। उसी दौरान यानी कि 2010 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस ऑफिसर बन गई। डीएसपी के पद पर रहने के साथ ही वे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करती रहीं। सेल्फ स्टडी करके अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। सिमाला का मानना है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा को सही गाइडेंस और सेल्फ स्टडी के दम पर पास किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थियों को सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करना पड़ेगा। सिमाला प्रसाद ने फिल्म अलिफ में शम्मी का रोल निभाया है। इस फिल्म में मदरसे से स्कूल तक की कहानी को दर्शाया गया है। ये फिल्म तालीम की अहमियत को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। यह फिल्म नवंबर 2016 में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ क्वींसलैंड में बतौर प्रीमियर प्रदर्शित हुई और फरवरी 2017 में रिलीज हुई थी।